सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। एप्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि आपकी बच्चेदानी में ग्रो ना होकर बच्चेदानी के बाहर के रीजन में ग्रो होती है, चाहे वो आपके अंडाशय हो या फिर फैलोपियन ट्यूब जिसे नल्ले बोला जाता है, या फिर गर्भाशय का मुंह हो, या फिर पेट का कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलन, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो का आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, या वीडियो के लास्ट में भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही अगर आप एप्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो तब भी आप आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख लेना, या वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कौन कौन से कारण रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जो पहले नंबर का कारण है एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने का, वो है अगर आपको पास्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं फ्यूचर में आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। साथ ही अगर आपने कोई एब्डोमन सर्जरी करवाई है या फिर पैल्विक रीजन में आपकी कोई सर्जरी हुई है तो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आगे एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। साथ ही अगर आप बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हो तो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। यहाँ पर मैं अगर आपको स्टडीज़ का डाटा बताऊँ तो जिन फीमेल्स को एप्टोपिक प्रेगनेंसी होती है 48% फीमेल्स बीड़ी सिगरेट का सेवन करती हैं, और उन फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। वहीं अगर पैल्विक रीजन में सर्जरी या फिर एब्डोमेन रीजन में सर्जरी का डाटा बताऊं तो 23% फीमेल्स को रिस्क रहता है एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। साथ ही अगर कोई फीमेल को एसटीडी है, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो भी एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क रहता है। साथ ही अगर किसी फीमेल ने मेडिकल अबॉर्शन करवाया है या फिर सर्जिकल अबॉर्शन कराया है तो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। साथ ही अगर आपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया है या फिर आपकी हिस्ट्री है इनफर्टिलिटी की तो भी आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के रिस्क रहते हैं। जिन फीमेल को पैल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़ है, मतलब कि PID की प्रॉब्लम है, उन्हें भी एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के रिस्क रहते हैं। अगला है अगर आपने IUCD मतलब कि इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अपने शरीर में इम्प्लांट करवाया है तब भी आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क रहता है। साथ ही अगर आपने कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है, और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को अगर आप काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ कर चुके हो तो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। अगला है अगर आपको कोई ट्यूबल सर्जरी हुई है तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। वहीं अगर किसी फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहते हैं एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।